आदाब हैदराबाद। जिसने खुलूस दिल से पुकारा है या अली। हजरत शाह रजा रजवी अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह का औरस शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सज्जादा नशीन बारगाह सैयद शाह लियाकत हुसैन रजवी की ज़ेर निगरानी औरस शरीफ के तमाम रसूमात अंजाम दिए गए। बाद नमाज ईशा महफिल समा का अहतमाम किया गया। औरस शरीफ के मौके पर मुरीदीन व मुतखिरीन की बड़ी तादाद ने बारगाह में हाजिरी देते हुए नजराना अकीदत पेश किया। अली का नाम लिया सर से टल गई मुश्किल। अली का नाम लिया सर से टल गई मुश्किल। अली का नाम लिया सर से टल गई मुश्किल। अली का नाम लिया सर से टल गई मुश्किल। डूबोने आया था तूफान बन गया साहिल। जिसने खुलूस दिल से पुकारा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम जिस बारगाह में बैठे हुए हैं
जद्दीना सरकार सैयदी शाह रज़ा अली रज़वी अल मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू, आपका नसब जद्दीना सैयदना इमाम अली रज़ा अली रज़वी अल मदनी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ है। आप इमाम ज़ामिन आठवें इमाम की 36वीं पुश में होते हैं, जो मेरे जद्दे आला रहमतुल्लाह अलैह है। आपका 258 साल उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और आपके फजंद अकबर व जानशीन खुतब दकन हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम खलील रहमान बाअमरुल्लाह शाह साहब ऊला रहमतुल्लाह अलैह का 233 साल उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स मुबारक की तकारीब 22 जमादिल आखिर सन 1442 हिजरी ता 28 जमादिल आखिर 1442 हिजरी मुताबिक 5 फरवरी 2021 ता 11 फरवरी 2021 मनाया जा रहा है। आज हज़रत का जद्दीना सरकार शाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम चिरागा है, जिसमें उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। जद्दीना सरकार शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक सन 1184 हिजरी मुताबिक 17 सितंबर 1770 ईस्वी बरोज़े जुमेरात कोहे मौला अली में विसाल मुबारक हुआ और 28 जमादिल आखिर को आपका नमाज जनाजा बमकाम मक्का मस्जिद में अदा की गई। तारीख़ के मुताबिक गुलजार आसफिया तुजुक के महबूबा मिश्कातुन नबुवत में आपका ना जनाज अतः मुबारक जनाजा पढ़ा गया। मक्का मस्जिद से मकाम तालाब कट्टे तक नमाजियों की सफ़े थी। आपका शुमार उस ज़माने के पाए सफ़े अव्वल के बुजुर्गान सूफिया इकराम में हुआ करता था। साहिब मिश्कात हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने मलफूजात में, जिसके उस ज़माने में जिसके दिल में सरकार सैयदना शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मोहब्बत ना होती वो दिल खोटा सिक्का होता। और साहिब पंजगन ग़ुलाम अफजल बिहार रहमतुल्लाह अलैह भी आपको अलकाबा से नवाजा गया। ये वो आस्ताना है, हज़रत ने इस्लाम का तबलीग बज़रिए महफिल समा से शुरू किया। हज़रत ने 30 बरस इस आस्ताने में रुजदो हिदायत फरमाई, ये मस्जिद जो है कायम कर दी आपके पड़ पोतरे सैयद शाह ग़ुलाम अबू तराब रज़ी अमनुल्लाह शाह सानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की शक्ल दी। वो मस्जिद खानकाह थी, हज़रत ने महफिल समा को तबलीग का ज़रिया बनाया। तवारीख के मुताबिक महफिल समा का हैदराबाद में इनेकाद, मैं तमाम मशाइख निकराम उलमा के सामने ये बात कह रहा हूँ, ये ज़मन अरसे मुबारक इल्म मुज़ाकरा मुनक़द हुआ, इसमें मुज़ाकरे में महफिल समा की हैदराबाद में तहक़ीक़ के मुताबिक पढ़ा गया, जिसको डॉक्टर मौलाना अब्दुल हमीद अकबर साहब दीन गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने ये पढ़ा, ये साबित कर दिया कि महफिल समा का इनेकाद ईजाद यानि शुरुआत खानकाह आस्तान आलिया रज़विया से सरकार सैयदना शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने की। Oh,
की भीख पर है मेरा आज तक गुजारा। पर दो सलामी
Thank you.
आदाब हैदराबाद।